हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो थोड़ी डिफरेंट है। आज हम देखेंगे कि हाउ कैन वी क्वालिफाई गेट। यस, गेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हम सबको पता है जो कि होता है ईयर में एक बार। हम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इन 15 डेज। मैं बस थोड़ी सी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा पढ़ाई से टच छूट जाता है। जैसे एग्ज़ाम से एक दो महीने पहले हमें नहीं समझ आ रहा कि हम एग्ज़ाम दें या ना दें, अगर दे तो कैसे स्टडी स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पता है हम लोगों का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। लेकिन गाइस, हमने कुछ बच्चे बीटेक के बाद एग्ज़ाम देते हैं गेट का, कुछ लोग एमएससी के बाद देते हैं, तो हमें हमने 4 to 5 years तो स्टडी की ही होती है, तो हमें उसका बेसिक वगैरह तो सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ आता कि अगर 15 ही दिन रह गए एग्ज़ाम को तो हम कैसे स्टार्ट करें। सो ऑब्वियसली मैं आपको ये बोलूँगी कि मान लीजिए आपका अगर गेट का पेपर 16 डेट को है, अगर आपका गेट का पेपर, सो आई विल सजेस्ट यू कि 1 से लेकर 14 डेज में आप क्या करें। मैं आपको ये बोलूँगी 14 डेज है, अगर आप एक दिन में भी अगर 2 गेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, देखिए एक दिन में 2 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम 2 गेट के प्रीवियस ईयर पेपर एक दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो गाइस 14 डेज में तो हम 28 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको जितने भी मिले, आपको 15 साल एटलीस्ट 15 ईयर्स तक के आपके जो हैं गेट के पेपर्स, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और सिर्फ सॉल्व नहीं, उन्हें अच्छे से देखिए। आपको ये पता चलेगा कि सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन बी, सेक्शन सी में तो हमें पता ही है कि हमारी चॉइस का होता है, तो उसके पास तो आपके लिए बेनिफिट है, आप वो दो सब्जेक्ट चुनना जो आपको अच्छे से आते हैं। और सेक्शन बी के लिए मैं अगर लाइफ साइंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ साइंस में दिया था, तो मैं आपको बोलूँगी कि केमिस्ट्री के लिए इनफ है अगर आप 15 ईयर्स पेपर करते हो, सिर्फ गेट क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इसमें टॉप कर दोगे, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वो भी तो बच्चे हैं जो एक एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उनको तो बीट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम बस क्वालिफाई कर लें, और जिससे क्या होगा, अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एटलीस्ट हम इंटरव्यू में बैठने लायक रहेंगे, हम IITs के इंटरव्यूज़ तो दे सकते हैं, और हमें एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का। तो क्वालिफाई करने से एटलीस्ट आपको ये तो फ़ायदा होगा ना। और आप PhDs के लिए बैठ सकते हैं, आपको फेलोशिप मिल सकती है गेट के लिए। सो देखो फ़ायदा तो है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 1 से लेकर 14 डेज तक में जो की कंसेप्ट है, जो की मेन है ना कि आप कैसे पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, वो तो बस ये कि आप प्रीवियस ईयर गेट के सारे पेपर सॉल्व कर दो। और ये सभी गेट सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ लाइफ साइंस के लिए नहीं, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी होता है आप इस ट्रिक को फॉलो करो। ट्रिक तो क्या, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ आप इसे करके देखो, एटलीस्ट 15 ईयर्स के पेपर्स तो करो। मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% होता है कि ये काम करता है, और सच में आप अच्छे से पेपर सॉल्व करते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है 15 डेज में, 30 डेज में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चाहोगे कि मैं गेट लाइफ साइंस के मॉड्यूल्स बनाऊँ तो मैं वो भी बनाऊँगी, बट वो मैं जब भी बनाऊँगी जब मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो थैंक यू।